दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सिडी नहीं करा कर दिया गैस सिलेंडर कहते है इंग्लिश बाय के एम गुप्ता एंड दिस इज आवर वीडियो नंबर ट्वेंटी नाइन सेशन नाइन एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू सम इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इडियम्स, ऐसे इडियम्स जो न केवल इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और ये वीडियो देखते देखते ही सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे और आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये याद दिला दें कि ये वीडियो नंबर हम इसलिए मैंशन करते हैं जिससे आपको सर्च करने में आसानी रहे आपका टाइम बचे बस आपको करना ये है सीधे यूट्यूब सर्च बॉक्स में जाइए टाइप करिए के एम गुप्ता वीडियो नंबर और जो वीडियो नंबर आप डालेंगे डायरेक्टली आप उसी पर पहुंच जाएंगे और अपने सिंसियर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने प्ले भी बना रखी है टॉपिक वाइज आप सीधे प्ले में जाइए और आपको वहां पर पूरे पूरे टॉपिक मिल जाएंगे वहां जाकर आप पूरे पूरे टॉपिक पढ़ सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे आज के टॉपिक से और आज हम इस वकैब सेशन नाइन में पढ़ने वाले हैं लगभग ट्वेंटी इडियम्स तो देखिए सबसे पहले आपके सामने ये सात इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और इन सातों का प्रयोग हम एक ही अर्थ में करते हैं परप्लेक्स्ड डीपली कंफ्यूज जब व्यक्ति दुविधा में हो असमंजस में हो किम कर्तव्य विमूढ़ हो मानो काटो तो खून नहीं ऐसी अवस्था में हो हिंदी का मुहावरा है मानो काटो तो खून नहीं एट सी एट वंस विट्स एंड इन ए डिल क्वेंड्री एट ए नॉन प्लस एट एन एम पास विदाउट ए क्ल्यूज इन ए कंडीशन वेन समन इज अनएबल टू थिंक वॉट टू डू नेक्स्ट जब आदमी की समझ में ये नहीं आ रहा हो अब क्या करें अब ऐसी कंडीशन आ गई समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें वहां पर हम इनमें से किसी भी इडियम का यूज कर सकते हैं आइए एक एक करके देखते हैं जैसे पहला है out ऑफ इट कैसी कंडीशन होगी इमेजिन करके देखिए बीचों बीच समुद्र में कोई फंसा है बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एट सी असमंजस की स्थिति क्वाइट परप्लेक्सड दूसरा है एट वंस विट्स एंड जब इंसान की विट उसकी बुद्धि एंड पर आ जाए काम करना बंद कर दे बिल्कुल समझ में ही नहीं आए कैसी कंडीशन होगी ये भी परप्लेक्सड डीपली कंफ्यूज ऐसी कंडीशन जब इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा है करें तो क्या करें डिलेमा क्वेंड्री नॉन प्लस ये तीनों ही वर्ड्स सिनोनिमस हैं एक दूसरे के स्नोनिम हैं पर्यायवाची हैं और तीनों का ही मतलब होता है असमंजस या दुविधा इनके अलावा एक वर्ड है इंपास इंपास मींस भी एक ऐसी कंडीशन जब चक्का जाम हो जाए ना आगे बढ़ने का रास्ता हो ना पीछे हटने की जगह हो जाएं तो कहाँ जाएं एक ऐसी कंडीशन होती है इम्पास सपोज़ कि कहीं पंचायत चल रही हो और ऐसा पॉइंट आ जाए जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़ जाएं, तो वो कंडीशन होती है एम्पास की वो कंडीशन होती है असमंजस की कि अब कोई करे तो क्या करे ऐसी कंडीशन और एक और नीचे दिया है विदाउट ए क्ल्यू इसका भी वही मतलब होता है जब कोई क्ल्यू ना हो नो क्ल्यू एट ऑल कोई करे तो क्या करे एक ऐसी कंडीशन कोई क्ल्यू ही नहीं है समझ में ही नहीं आ रहा किसी के कि क्या परिस्थिति है जब कुछ समझ में ना आ रहा हो कंप्लीटली किम कर्तव्य विमूढ़ Perplexed, confused. That condition is called without a clue, at an impasse, at a ए plus, in a quandary, in a dilemma, at वॉन्स विट्स end, at sea. देखिए इनका यूज हम तब कर सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें एन आई टू कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन के मद्देनज़र अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं द वर्ल्ड इज एट सी द वर्ल्ड इज at एन impasse. द वर्ल्ड इज विदाउट ए क्ल्यू समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें कैसी इसका क्या सॉल्यूशन हो ना कोई ट्रीटमेंट है इसका ना कोई इसका सॉल्यूशन है अपने लोगों को मरते हुए देखने के अलावा कौन क्या कर सकता है एट एन impasse, एट सी है ना ऐसी जगह यूज कर सकते हैं या फिर इस एग्जाम्पल को देखिए आप क्यों रे कहा जा रहे हो सालो तुमको नहीं पता सब बंदे अरे साहब ये चल नहीं सकता ना इसलिए इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं इस बंदे की ऐसी ही हालत है फिलहाल समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें तो इन इडियम्स का यूज ऐसी ही कंडीशंस में कर सकते हैं और कई के साथ ऐसा कुछ बीता भी होगा इस कंडीशन को लोगों ने झेला भी होगा यार रात भर तो बहुत अच्छी खासी चैटिंग चली थी बाबू सोना सब कुछ हुआ मिले बाबू ने खाना खाया सब कुछ हुआ सुबह उठा तो बेचारा बेचारा ब्लॉक्ड यू अब समझ नहीं पा रहा है कि ब्लॉक काहे मार गई कम से कम रिचार्ज के पैसे तो दे जा बंदे की जो हालत है इस समय वो है कम्प्लीटली कंफ्यूज ही इज इन ए जलेमा ही इज इन एनरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ अचानक क्लियर गुड अब नेक्स्ट इडियम्स देखिए कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स वाइल्ड गूज चेज ऑल द थ्री इडियम्स मीन एविंगलेस एफर्ट इन तीनों ही इडियम्स का मतलब होता है एक निरर्थक प्रयास ए फ्यूचाइल एंडीवर फ्रूटलेस प्रस्यूट मतलब एक ऐसा एफर्ट एक ऐसा एंडीवर एक ऐसा परस्यूट जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा जिसका कोई भी फल नहीं मिलेगा तो ऐसी जगह पर हम यूज करते हैं इन इडियम्स को एक एक करके देखिए जैसे पहला है आपका कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन हम इसको अलग अलग करके समझेंगे कास्ट मानी है डालना या फेंकना पल्स होते हैं मोती बिफोर स्वाइन स्वाइन मीन्स क्या होता है बच्चों पहले समझिए आई ऑलवेज एप्राइज कि मुहावरे किसी भी भाषा के उनके पूर्वजों की देन होते हैं अगर उनका सोर्स हमें पता चल जाए कि वो कैसे बने हैं तो याद रखने में बड़ी आसानी रहती है देखिए स्वान होता है एस डब्ल्यू एन स्वान मानी हंस और इसी से मिलता जुलता वर्ड है एस डब्ल्यू आई एन ई -E, स्वाइन देट मीन्स सूअरिया इसका प्लूरल भी यही होता है स्वाइन स्वाइंस नहीं होता स्वाइन का सिंगुलर प्लूरल एक सा रहता है अब शब्दों का खेल देखिए इफ यू कास्ट बिफोर स्वांस तो ये तो मीनिंगफुल है हंस मोती चुकता है बट इफ यू कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन इट इज मीनिंगलेस अगर आप स्वाइन के सामने मोती डालेंगे सूर्या के आगे मोती डालेंगे तो ये तो मीनिंगलेस हुआ इसका ठीक वही मतलब हुआ जो हिंदी के मुहावरे में होता है भैंस के आगे बीन बजाना यानी कि एक मीनिंगलेस एफर्ट एक ऐसा प्रयास जिसका कोई मतलब नहीं है यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इफ यू कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इट इज ए मीनिंगलेस एंड फ्यूटाइल एफर्ट दूसरा देखिए फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में बहुत आता है फ्लॉग मानी होता है छड़ी से स्टिक से चाबुक से पीटना किसी को फ्लॉग लेकिन एक डेड हॉर्स को फ्लॉग करने से क्या मिलेगा कुछ होगा क्या वो चलेगा ही नहीं जो डेड हॉर्स है वो कैसे चलेगा कितना ही फ्लॉग करो से? तो इसका भी वही मतलब हुआ एक निरर्थक प्रयास फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स हम कह सकते हैं कि वाई वेस्ट टाइम एडवाइजिंग हिम अगेन एंड अगेन इट इज ओनली लाइक फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स ही क्वाइट हॉर्सिजिबल उसे समझाने में समय क्यों बर्बाद करते हो इट इज जस्ट लाइक फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स ही इज क्वाइट इनकॉरिजिबल यानी वो कभी नहीं सुधरेगा उसे समझाने में समय बर्बाद मत करो डोंट फ्लॉग ए डेड हॉर्स लाइकवाइज तीसरा देखिए वाइल्ड गूज चेज इसका भी मतलब है ए फ्यूटाइल चेस एक्चुअली गूज एक प्रकार का तीतर होता है एक जंगली तीतर काफी फुर्तीला और तेज उड़ने वाला अब उसको चेज करना उसे चेज करके पकड़ना कितना मुश्किल होगा जरा यह सोचिए जबकि एक मुर्गी जो उड़ भी नहीं सकती उसको पकड़ना कितना मुश्किल होता है और ये तो ठहरा गूज वो भी वाइल्ड गूज इसे चेज करना तो बहुत मुश्किल होगा तो स्टूडेंट्स इन तीनों ही इडियम्स का मतलब होता है ए फ्यूटाइल एफर्ट एक ऐसा प्रयास जो निरर्थक है जिसे करना बेकार है फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स वाइल्ड गूज चेस एंड कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन भैंस के आगे बीन बजाना हमारा नेक्स्ट इडियम है डॉग्स ब्रेकफास्ट डॉक्स ब्रेकफास्ट कैसा होता है जो भी रात का बचा कुचा होता है वो कुत्ते का ब्रेकफास्ट बन जाता है रात की बची हुई रोटी परसों का दूध है ना थोड़ा सा ज़मीन पर बिखर गया था आटा वो दे दिया उसे एक दो कहीं बची हुई बिस्किट दे दी उसे तो सब मिलाकर बन गया डॉक्स ब्रेकफास्ट इस ईडियम का मतलब होता है ए मैस और ए मिक्सचर ऑफ समथिंग किसी चीज का मिक्सचर और मिक्सचर भी कैसा मैस गड़बड़झाला हॉच पॉच मिसेलेनियस एग्लोमेरेशन तो ऐसे एक मिक्सचर को ऐसे मैस को कहते हैं डॉग्स ब्रेकफास्ट जैसे आपको पहले अलग अलग चैप्टर पढ़ाए गए और एक आपका टेस्ट लिया गया सबका मिला जुला कर दो उसमें से नाउन के क्वेश्चन पूछ लिए गए उसमें कुछ हुकैब में से पूछ लिया एक दो स्पीच या नरेशन में से या वॉइस में से पूछ लिया एक दो आपको पैरा जंबल दे दिया तो ये हो गया आपका डॉक्स ब्रेकफास्ट मिसेलनियस विविध तो किसी रैंडम कलेक्शन को रैंडम मिक्सचर को आप कह सकते हैं डॉक्स ब्रेकफास्ट नेक्स्ट है हमारा वेन पिक्स फ्लाई जब पिक्स उड़ेंगे क्या पिक्स उड़ेंगे कभी ठीक वैसे ही जैसे हिंदी में मुहावरा है नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी समथिंग दैट इज़ हाईली अनलाइकली टू एवर हैपन कोई ऐसी घटना कोई ऐसी बात कोई ऐसी चीज़ जो कभी घटित ही नहीं होगी सलमान खान शादी करेगा कब करेगा सलमान खान विल गेट मैरीड वे इन पिक्स प्लाई मीन्स इट इज़ वेरी अनलाइकली टू एवर हैपन आप में से कई बच्चे हैं जो रोज़ाना नए नए टाइम टेबल बनाते हैं और वादा करते हैं कल से पक्का चार बजे उठूँगा कल से पक्का जिम जाऊंगा बट ऑल दिस विल हैप इन फिक्स प्लाई ना नोमन होगा ना राधा नाचेगी नेक्स्ट हॉप चॉइस होप चॉइस ये कैसी चॉइस होती है दरअसल नो चॉइस एक्चुअली ऐसी दो चॉइस आपको दी जाए जिनमें से दोनों ही चॉइस आपकी पसंद की ना हो या दोनों ही चॉइस का एक ही मतलब हो और दोनों ही चॉइस आपको बिल्कुल पसंद ना हो यानी चूजिंग आउट ऑफ टू ऑप्शंस व्हिच आर इक्वली अनवांटेड एंड अनडिज़ायरेबल ऐसे दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना जो दोनों ही अनवांटेड हों आपके लिए और अनडिज़ायरेबल हों यानी ए चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल जैसे कभी कभी मम्मी नाराज़ होती हैं तो आपको ऑप्शन चॉइस देती हैं कि मम्मी मम्मी क्या बना है बैंगन बने हैं मम्मी बैंगन नहीं खाऊंगा नाश खाने हैं तो मत खा दो ऑप्शन हो गए खाने हैं तो खाले वरना मत खा ऑप्शन दो हैं और दोनों ही आपको पसंद नहीं है कई बार पापा आपको ऑप्शन चॉइस देते होंगे कि ऐसा कर या तो भैंस को सानी कर दे या फिर खेत से घास खुरचला और दोनों ही ऑप्शंस आपको पसंद नहीं होते मजदूर को मान लीजिए सौ सौ के दोनों उठ दिए वो बोला साहब ये तो बहुत कम है कि ले पचास पचास के चार नोट ले ले तो ऑप्शन चॉइस यानी कि नो चॉइस एट ऑल चूजिंग आउट ऑफ टू ऑप्शन विच आर इक्वली अनवॉन्टेड एंड अनडिजायरेबल इज दैट क्लियर वेरी गुड हमारा नेक्स्ट एरियम है ए एस्केप बाल बाल बचना क्योंकि नैरो मानी होता है तंग या संकीर्ण और एस्केप मानी होता है बचाव तो बस जरा सा बच जाना बाल बाल बच जाना ये हिंदी का एडियम है ये पिक्चर देखिए आप अंकल जी हैड इन नेहरू एस्केप जरा सा बच गए अंकल जी ही एस्केप वरना तशरीफ पर टैटू बन जाता तो ये था आपका ए नेहरू एस्केप नेक्स्ट टू बी इन द सेम बोट एक ही नाव में होना एक ही नाव में सवार होना यानी कि टू बी इन द सेम डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन एज else। एक ही नाम में सवार होने का मतलब होता है एक जैसी विपरीत परिस्थिति में होना एक जैसी कठिन परिस्थिति में होना एक जैसी अनप्लीजेंट सिचुएशन में होना जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स इन द सेम बोट और आज जब कोरोना कोविड नाइन्टीन से पूरी दुनिया त्रस्त है देन वी कैन से ऑल द कंट्रीज आर इन द सेम बोट या यूं कहिए जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत कर सत्ता में काबिज होती है तो बाकी की हारी हुई पार्टियां दे आर इन द सेम बोट और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि इन द सेम बोट जो होते हैं वो स्वाभाविकतः मित्र बन जाते हैं क्योंकि नाव डूबी तो बचेगा कोई नहीं तो एक दूसरे को बचाने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर होती है ए टू बी इन द सेम बोट नेक्स्ट है टू रॉक द बोट रॉक मानी होता है बच्चों हिलाना या झुलाना जैसे पालना झुलाना टू रॉक द क्रेडल रॉक द स्टेज स्टेज पर धमाका मचा देना स्टेज को हिला के रख देना है ना अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बोलते हैं रॉक द स्टेज तो रॉक द बोट होता है टू कॉज प्रॉब्लम्स और टू अपसेट पीपल अगर नाव को हिलाया जाएगा तो क्या होगा परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएंगी परिस्थितियां खराब हो जाएंगी टू कॉज प्रॉब्लम्स और टू अपसेट पीपल इसका मतलब ये होता है कि लोगों को आ, अपसेट कर देना या परिस्थिति को बिगाड़ देना अब जरा सोचिए इफ यू रॉक द बोट वॉट विल हैपन स्थिति खराब होगी तो हम कह सकते हैं डोंट रॉक द बोट एज वी आर इन द सेम बोट समझ गए ना अगर हम एक ही बोट में हैं तो रॉक नहीं करना है बोट को क्योंकि सभी डूबेंगे इफ यू रॉक द बोट यू अपसेट पीपल और यू कॉज प्रॉब्लम्स यानी कि रॉक द बोट का मतलब होता है परेशानियां पैदा कर देना परिस्थितियों को खराब कर देना टू ड्रॉक द पोर्ट और हमारा नेक्स्ट इडियम है टू किक द बकेट किक द बकेट शक्टर तो है बाल्टी में किक कर देना लात मार देना लेकिन जो वास्तविक अर्थ है इस इडियम का वो है डाई मर जाना पास अवे है ना पास अवे गुजर जाना यानी कि मर जाना पास अवे अब देखिए इडियम्स की यही खासियत होती है कि जो दिखने में उसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो कुछ और होता है लेकिन जो वास्तविक अर्थ होता है दैट इज डीपर देन इट अपियर्स टू बी ज़्यादा गहरा होता है जैसे हमारी हिंदी में तन को कच्चा घड़ा बोला गया है एक दोहा है ये तन काचा कुंभ है लिए फिरे है साथ ढोका लागा टूट गया कछु न आया हाथ तो जैसे उसमें काचा कुंभ बताया गया है कच्चा घड़ा बताया गया है यहां पर उसे बकेट बताया गया है किक द बकेट यानी कि मर जाना लाल बहादुर शास्त्री सर्व द नेशन टिल ही किक द बकेट यानी उन्होंने मरते दम तक देश की सेवा की और इसका हम रिसेंट एग्जाम्पल दें इरफान खान कुड हैव गिवन सम मोर रिमार्केबल मूवीज टू बॉलीवुड बट अनफॉर्चुनेटली हिज बकेट इज अन किड इरफान खान बॉलीवुड को और बेहतर मूवीज दे सकते थे और रिमार्केबल मूवीज दे सकते थे लेकिन दुर्भाग्य से वो अब नहीं रहे हिज बकेट इज अनफॉर्चुनेटली किड तो बच्चों कि द बकेट यानी कि मर जाना नेक्स्ट टू सिट ऑन द फैंस दीवार पर बैठ जाना क्या हुआ ये इसका मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मान लीजिए दो भाई हैं दोनों के बीच बंटवारा हो जाता है और बंटवारा होने के बाद दोनों के बीच में एक दीवार लग जाती है अब फूफा जी घूमने आते हैं फूफा जी किसकी तरफ जाए फूफा जी दुपधामे हीज इन ए डिलेमा ऐसी कंडीशन अब इस उधर जाएंगे तो ये बुराई मानेगा इधर जाएंगे तो वो बुराई मानेगा तो फूफा जी किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे इसलिए दीवार पे चढ़ के बैठ गए थे इधर जाएंगे और ना उधर जाएंगे तो ये जो इडियम है आपका टू सेट ऑन द फेंस का यही मतलब होता है इसका मतलब होता है मेकिंग ए डिसीजन और चॉइस चॉइस डिसीजन या कोई लेने से बचना इफ यू यू सिट ऑन द फेंस अवॉइड सपोर्टिंग ए पर्टिकुलर पार्टी इन ए डिस्कशन इफ यू सिट ऑन द फेंस तो ऐसी कंडीशन होती है कि आप किसी डिस्कशन में दोनों ही पार्टी में किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहते आप बुराई से बचना चाहते है ना इलेक्शन में आप कभी खुलकर नहीं आते कि आप बीजेपी को वोट देंगे या आ, सपा को देंगे या बसपा को देंगे मतलब यू सिट ऑन द फेंस एक प्रकार से हम कह सकते हैं सेक्युलर होना है ना यू कैन नॉट बी सिटिंग ऑन द फेंस एनी लॉन्गर यू हैव टू डिसाइड हु ऐसे फेंस पर बैठे नहीं रह सकते आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किसकी साइड में हैं। इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे तो टू सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है दोनों में से किसी का भी पक्ष न लेना तटस्थ रहना इनडिफरेंट रहना कोई चॉइस ना लेना और अगले दो इडियम जो हैं हमारे दोनों का एक ही मतलब होता है पहला तो है टू लीव समबडी हाई एंड ड्राई और दूसरा है टू लीव समबडी इन द लर्च बच्चों दोनों ही इडियम्स का मतलब होता है किसी को बेसहारा छोड़ देना टू लीव समवन इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन टू अबेंडन अनसपोर्टेड और हेल्पलेस किसी को बेसहारा छोड़ देना टू लीव समबडी इन द दर्च टू लीव समबडी हाई एंड ड्राई जब भी कभी मैं ये इडियम पढ़ता हूं तो मुझे एक सत्य घटना याद आ जाती है कि एक लड़का जो एब्रोड में सेटल हो गया था उसके पिता यहाँ इंडिया में रहते थे बहुत बुज़ुर्ग थे तो वो उन्हें घर से ये कह के लाया था कि मैं अपने साथ एब्रोड ले जाऊँगा यहाँ पर वो अकेले रहते थे लोग ताने देते थे कि ये एब्रोड में रह रहा है विदेश में रह रहा है और बाप यहाँ पर अकेला है तो उन्हें लेकर गया था और ग्वालियर के स्टेशन पर उन्हें बिठाकर और उनसे ये कह गया था कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ दस मिनट हुए आधा घंटा हुआ एक घंटा हुआ दो घंटा हुआ बेचारे जो बुढ़े थे वो बैठे रहे पुलिस वालों ने काफ़ी देर तक उन्हें बैठे हुए देखा तो पूछा कि बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं बहुत देर हो गई आपको बैठे हुए किसका इंतज़ार कर रहे हैं तो बेटा मेरा बेटा है वो अभी आता होगा और वो मुझे अपने साथ अमेरिका ले जाएगा लेकिन वो बेटा कभी लौट कर नहीं आया वो उन्हें चकमा देकर निकल गया तो बच्चों ये होता है किसी को असहाय छोड़ देना टू लीव समबडी इन द लर्च टू लीव समी हाई एंड ड्राई तो बच्चों आज के हमारे जो ईडियम्स थे वो इतने ही थे आज का हमारा ये सेशन यहीं पूरा होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय बाय